हेलो एवरीवन। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे बने हैं लड्डू। ये कैसे बनते हैं इसके लिए हम प्रोसेस देख लेते हैं। ये देखिए, एक बड़े से स्टील के बर्तन में, स्टील का हो या कांच का हो, आप एक बाउल ले लीजिए। और उसमें मैंने इस कप से 2 कप बेसन ले लिया है, ये नॉर्मल कोई भी बेसन जो आप यूज़ करते हैं। और उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच, ये रूम टेम्परेचर पर दूध है, और ये 2 से 3 चम्मच देसी घी है। तो आप इन दोनों को एक साथ मिक्स करके डालना चाहें तो डाल लें, या बारी बारी से बेसन के ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे। देखिए, मैंने देसी घी 2 चम्मच डाल दिए हैं, और ये दूध, इसको इसमें डाल करके और अच्छे से हाथ से मस लेंगे। या पहले तो स्पून से आप मिला लीजिए, पर उससे गांठे पड़ने का डर रहता है, तो आप हाथ से ही डायरेक्ट मसलिए। तो ये देखिए, धीरे धीरे करके मैं पूरे बेसन को अच्छे से, जैसे मोहन लगाते हैं उस तरीके से हम पूरे बेसन में अप्लाई करेंगे। आप जब ऐसे धीरे धीरे करते जाएंगे तो ये देखिए, कुछ गांठें भी पड़ने लगेंगी, तो आप हाथ से उनको, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको रगड़ लेंगे तो हमारे बेसन, जो बेसन के लड्डू दानेदार बनते हैं, जो आपने कभी देखा होगा प्रसाद में मिलते हैं, ये सेम वैसे ही बनेंगे, कोई इनमें कमी नहीं आएगी। ये देखिए, मैं फटाफट हाथ से भी कुछ बहुत मसल रही हूँ, और अगर इसके बाद भी कुछ गांठें रह जाती हैं तो हम बाद में उसका भी सलूशन बताएंगे। तो ये देखिए, बस थोड़ी सी मेहनत है 2 से 3 मिनट की, लेकिन अगर आप फटाफट इस तरीके से कर लेंगे तो यकीन मानिए, आप बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। ऐसे लड्डू गुजरात साइड में बहुत बनते हैं, मैंने खाया है। तो ये देखिए, अब हम एक बड़ी बर्तन या परात आप कहें वो ले लेंगे, और वही जो मसला हुआ हमारा बैटर था या जो मिश्रण था, उसको एक चलनी में उल्टी साइड से इस तरीके से रफ टाइप से करेंगे, तो जो बेसन होगा वो इसमें नीचे निकल जाएगा, और जो गांठें होंगी, जो गुठलियाँ होंगी, वो हमारी ऊपर रह जाएंगी। तो आप इसको फटाफट करिएगा, ये दिखाने के लिए मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से, तो देखिए, ये दानेदार निकलेगा मिश्रण जो भी निकलेगा, तो आप इसको फटाफट करिएगा। और बहुत ही अच्छा, ये देखिए हमारा जो बेसन था, जो पहले का बेसन है और ये बेसन है, आप दोनों को देखिएगा कितना फ़र्क नज़र आएगा। हमने इस पर अभी ऐसा कुछ भी ट्रिक नहीं किया। जो बची हुई गुठलियाँ हैं उनको हम मिक्सी में चला लेंगे, और ये देखिए हम 2 टेबल स्पून देसी घी में अब इसको भूनेंगे। आप इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे फ्रेंड्स, और हमारी जो फ्लेम रहेगी वो लो ही रहेगी। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे भूनेंगे तो इसमें और दाने आते जाएंगे। बहुत ही अच्छा, ये देखिए इस स्टेज पे आप जब थोड़ा सा कलर बदले तो आप 2-3 स्पून पानी की छींटे या दूध की छींटे मारेंगे, तो उससे होगा क्या कि जो हमारा बेसन है वो और दाने उसमें आएंगे। और इसमें देखिए कुछ भी नहीं पड़ा है, केवल जो सामने हमने इसे गूँथा था और अभी हमने छींटे मारे हैं दूध के, बस उसी से इसमें दानेदार आ रहा है। और बहुत ही अच्छे बढ़िया लड्डू बनेंगे। मैंने इन्हें गुजरात साइड में ही खाया था, तो मुझे तब से ही लग रहा था कि इसमें दाने कैसे आते हैं। तो ये देखिए, अब चलाते जाएंगे, पर ज़्यादा देर आप छोड़े नहीं, वरना तली में बेसन का कलर काला हो जाएगा और उसकी महक अच्छी नहीं लगेगी। हल्का सा फ्लेम बंद करके, हल्का सा ठंडा होने पर हम चीनी जो होती है या मिश्री होती है, जो भी आपको पसंद हो वो मिलाएंगे, और फिर मिश्रण को हल्का ठंडा हो करके, ये देखिए मैंने एक कटोरी ले ली है ताकि उसी साइज़ के लड्डू बने, हमारे लड्डू छोटे या बड़े ना बने। तो आप कोई भी बर्तन ले लें, कोई कटोरी ले लें, स्पून ले लें, और दोनों हाथों में 3-3 उंगलियों की मदद से देखिए हम लड्डुओं को इस तरीके से बांधते जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत है, पर खाने में भी ये उतने ही अच्छे लगेंगे। आपको लगेगा इसमें कुछ अलग डाला गया है, कुछ अलग प्रोसेस किया गया है, पर कुछ भी नहीं किया गया है। जैसे मैंने बताया, सेम लड्डू वैसे ही बनेंगे। तो देखिए हम फटाफट लड्डुओं को बना लेते हैं, और ये देखिए तैयार है लड्डू। तो कैसे लगे ज़रूर बताइए।